स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्वायर रूट से संबंधित है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना आप देखे बड़े ही आसानी से ट्रिक द्वारा आप इसे लगाएंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब दिए गए जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ 64 दिया हुआ है, यहाँ दिया 27,225, यहाँ दिया है 3,90,625। करा अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितने अंक का होगा, मतलब विदाउट कैलकुलेशन, बिना भाग दिए, आपको बिना कैलकुलेशन किए, बिना सॉल्व किए इसे आपको बताना है। तो देखो क्या करना है, पहले नंबर में देख लेते हैं, 64 है तो यहाँ हम निकालते हैं यन इज इक्वल टू, यन का मतलब होता है कि संख्या में कुल कितने अंक हैं, कुल कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन नंबर, नंबर में कुल कितने अंक हैं, कितनी। तो यहाँ देखिए 1 2, तो 2 हो गया। ये क्या है, ये इवन है, इवन का मतलब सम संख्या है। सो यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, मतलब 64 के स्क्वायर रूट निकालने में अंकों की कुल संख्या बराबर यह हो जाएगा n बाई 2। तो n की जगह पे 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो 1 आएगा। और आप जानते भी हैं 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा और 8 कितने, एक ही अंक का तो है, तो ठीक है, राइट, समझ में आ गया। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरे नंबर में दिया है 27225, ठीक है ना। अब यहाँ n इज इक्वल टू निकालो, तो n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, 5 क्या है, ऑड है, मतलब विषम संख्या है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 27,225। तो ये ऑड है, तो ऑड के लिए क्या सूत्र होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, तो n की जगह पे 5 रख देंगे, प्लस 1 रख देंगे, बाय 2 कर देंगे, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 होगा, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3। कहने का मतलब है 27,225 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 3 अंकों का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तीसरा नंबर में क्या दिया है, तीसरे नंबर में दिया है 3,90,3,90,625, राइट। अब यहाँ पहले n का वैल्यू निकालो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। ये क्या है, इवन है, है ना, इवन है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 3,90,625 इज इक्वल टू, अब जब इवन है तो इवन के लिए क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 हो जाएगा, तो n अपॉन 2, n की जगह पर क्या है 6 है, तो 6 बाय 2 डिवाइड कर देंगे 3। कहने का मतलब है कि जब हम 3,90,625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह 3 अंकों का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप एक लाइक तो जरूर करिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और हम बहुत सारा मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोग भी अपना प्यार हम पे बनाए रखिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।